हेलो फ्रेंड, आई एम डॉक्टर हर्षद रावल एमडी होम्योपैथ्स और मेरी चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, हमारी 1 से 5 श्रृंखला हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस के बारे में हमने बनाया है। तो पार्ट 1 में हमने उसका साइन एंड सिम्टम है, दूसरा पार्ट में उसका क्या कॉम्प्लिकेशन है, थर्ड पार्ट में प्रेगनेंसी में जब कंफर्म होता है तो कैसे कैरी ऑन करने का प्रेगनेंसी, फोर्थ पार्ट में क्या मैनेजमेंट हो सकता है, कौन से टेस्ट करना पड़ता है, क्या खाना पीना हो सकता है, और लास्ट पार्ट में जो अलग अलग पीथी है, हम जैसे जानते हैं एलोपैथिक है, आयुर्वेदिक है, होम्योपैथिक में ये ट्रीटेबल है और ट्रीट करते हैं, पर इसके सम लिमिटेशंस होता है। तो पेशेंट को जितना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलना चाहिए, मिलता है इतना नहीं मिलता है, तो कई बार पेशेंट फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तो इसके लिए आज हम ये वीडियो में चर्चा करेंगे और उसका अलग अलग पेथी में क्या रोल है, कौन सी दवा जनरल यूज़ करते हैं और होम्योपैथी कितना बेनिफिट है ऐसे डिजीज़ में, तो इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। मित्रों, एलोपैथिक में आधुनिक साइंस में एंटीवायरस दवा होती है, जैसे ए साइक्लोविर है, जॉविरेक्स है, फेमी साइक्लोविर है, फेमिसी वाला साइक्लोविर है, ये सब प्रकार की जो एंटीवायरस जो मेडिसिन है, ये जब वायरस ब्रेकआउट करता है और जेनिटल हर्पीस वायरस होता है और हम आधुनिक डॉक्टर के पास जाते हैं तो ये लोग ऐसे प्रकार के दवा देते हैं, तो टेम्परेरी तो सप्रेस हो जाता है टेम्परेरी, और थोड़े टाइम के बाद ये फिर से जो सोर्स होता है उसका बम्प्स होता है, उसका अल्सरेशंस होता है, उसका जो रेड बिंदु जेनिटल ऑर्गन में पेशाब की नली या जो वजाइनल पार्ट में जो सोरनेस आया है ये फिर से उभर आता है। तो दर्दी को वरीड होता है कि मैंने इतनी सारी दवा लेने के बाद भी क्यों नहीं होता है, तो फिर से ये डॉक्टर उनको दवा प्रिस्क्राइब करते हैं। तो एंटीवायरस जो दवा होती है टेम्पररी सप्रेस करता है वायरस को क्योर नहीं होता है, क्योंकि ये जो ट्रीटमेंट दो प्रकार के ट्रीटमेंट लेना पड़ता है, तो उसको क्योरिंग की ट्रीटमेंट लेना पड़ता है, साथ में आपको इम्यूनिटी की भी दवा लेना पड़ता है, और पेशेंट को भी हम एजुकेट करते हैं कि आप खाना पीना में ध्यान रखिए, थोड़ा एक्सरसाइज कीजिए, मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ कीजिए, डू एंड डोंट नहीं कीजिए, तो ये रोग हद तक यंगस्टरों में जो हुआ है ये रुक सकता है। और जो एक्यूट केज में जो शुरुआत में 6 महीना और 1 साल की हिस्ट्री होता है तो ये झड़प से रिस्टोर भी हो सकता है और कई सालों तक ये शरीर में से दिखा नहीं देता है और अच्छा परिणाम भी इसे मिलता है। तो ऐसे तरह आधुनिक साइंस में एंटीवायरस ट्रीटमेंट देते हैं, ऐसे तरह आयुर्वेदा में जो हर्बल मेडिसिन है इसमें आंवला का उपयोग होता है, हल्दी का उपयोग होता है, अश्वगंधा का भी इसमें बहुत रोल है, तुलसी है, नीम है, और जो भी इसके साथ एलोवेरा का भी एक्सटर्नल एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं जहाँ सोर होता है, कोकोनट ऑयल या कैस्टर का भी ये प्रयोग करते हैं। तो ये भी जो हर्बल दवा में ऐसे तरह जो उनके जो डॉक्टर होते हैं ये दवा करते हैं, पर मेनली इसका फोकस आप इम्यूनिटी पर रखें, क्योंकि अभी आपने देखा कि पेंडेमिक में कई लोगों को ये रोग हुआ है, पर अमुक लोगों को ये रोग नहीं हुआ है क्योंकि उसकी इम्यूनिटी अच्छी थी, और एक रोग नया था तो भी हमारे एक इम्यूनिटी बरकरार होना बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो हमने आगे भी बताया क्या खान पान करने का पार्ट 4 आप रिवाइज कर सकते हैं, और सबकी लिंक पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4 की हमने लिंक ये वीडियो में डाला है, तो ज़रूर आप उसको एजुकेशन लीजिए और ये रोग के लिए बराबर आप एजुकेशन होगी। होम्योपैथिक में भी बहुत सारी दवाएं हैं, तो आप मर्कोर है, रस्टॉक्स है, सिलिशिया है, हेपार सल्फ है, एसिड नाइट्रिकम है, और मेडोरिनम दवा है, एपीस है, सल्फर है, आर्मिका है, लाइकोपोडियम, चेलिडोनियम, जैसे बहुत सारी दवाइयाँ होती है, ये दर्दी का सिम्टम्स ऊपर अनुकूल दवा करता है। कई बार दर्दी का फिजिकल सिम्टम ज़्यादा होता है, कई बार दर्दी का आँख रिलेटेड मुंह के सिम्टम्स में ज़्यादा होता है, कई बार दर्दी को चेस्ट रिलेटेड सिम्टम्स होता है पोस्ट वायरल अटैक के बाद,
और ऐसे रोग में ये इंडिविजुअलाइजेशन होता है, कोई स्पेसिफिक दवा नहीं होती है, कभी ये रोग हुआ और ये दवा खाया और मिट गया। और ये सारे ये जो रोग है ये आपको सेल्फ ट्रीट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप उसको ऐसे तरह दबा देते तो उसका परिणाम खराब भी आ सकता है। तो इसके लिए आपके जो भी पेथी के डॉक्टर है और एक्सपर्ट है जिनको ये रोग को लिए मालूम है, तो आपको जरूर उनके संज्ञान में अंडर ट्रीटमेंट लेना लीजिए और लंबे टाइम तक ट्रीटमेंट लीजिए, क्योंकि इम्यूनिटी का मामला है और इम्यूनिटी रिस्टोर होने में टेक टाइम, जो डॉक्टर एडवाइस करता है खाना पीना साथ में दवा का, तो ये सब कुछ रोल आप इसके साथ कीजिए तो आप ये रोग हद तक कंट्रोल में आ सकता है और इसे अच्छा परिणाम भी आता है। मैंने 35 साल में बहुत सारे पेशेंट देखे से देखा है, इसमें हमने एक्यूट कंडीशन को पेशेंट को रिस्टोर भी हुआ है और जिसका वायरस लोड हुआ इसकी हमने इम्यूनिटी भी डेवलप किया है, और कई बार प्रेगनेंसी टाइम भी ये जो वायरस अटैक किया है तो हम उसको पहले तो ट्रीटमेंट से कवर करते हैं, बाद में उसको प्लानिंग करते हैं, तो जो आने वाला बच्चे में ये डेवलप फिर से होता नहीं है और बच्चा स्वस्थ आता है। पेरेंट कैरी ऑन कर सकता है ऐसे रिपीट में उनको जो बच्चा होता है, तो ऐसे तरह ऐसे ट्रीटमेंट होती है, ये आप कोई एक्सपर्ट होम्योपैथी के पास जाके ये ट्रीटमेंट ले सकते हैं। साथ में उसका मेंटल बैलेंस भी जरूरी है, क्योंकि ये रोग में दर्दी को फिजिकली तो चैलेंजेबल होता है पर मेंटली भी उसके लिए बहुत सारे प्रॉब्लम हो जाते हैं, जैसे डिप्रेशन आ जाना, नींद नहीं आ जाना, बॉडी एक होना, रोग की एंजाइटी होना, थॉट प्रोसेस बढ़ जाना, गुस्सा करना, और नींद सोते हैं तो उनको लगता है कि थॉट प्रोसेस चलता है, नींद नहीं आई है, स्लीपी बट कैन नॉट स्लीप, ऐसी कंडीशन होता है। तब आप मेडिटेशन कीजिए, ब्रीथलेसनेस कीजिए, मीन्स ब्रीदिंग टेक्निक एक्सरसाइज कीजिए, और एक बॉक्स टेक्निक एक्सरसाइज है, इसमें आपको 4 सेकंड श्वास लेने का है एक नोस्ट्रिल से और उसको बंद करने का 4 सेकंड, 4 सेकंड दूसरी नोस्ट्रिल से पास करने का है और 4 सेकंड फिर से ब्लॉक करने का हवा बाहर निकाल के, और फिर से 4 सेकंड हवा दूसरी नोस्ट्रिल में से भरिए, 4 सेकंड उसको होल्ड कीजिए, 4 सेकंड दूसरी नोस्ट्रिल में से बाहर निकालिए और 4 सेकंड बाहरी श्वास को रोक के रखिए। ये ब्रीदिंग टेक्निक ऑल्टरनेटिव नोस्ट्रिल करने से आपका थॉट प्रोसेस स्लो हो जाएगा और नींद भी अच्छी आ जाएगी, हार्ट बीट बढ़ेगा नहीं, बॉडी एक नहीं होएगा, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने से आपका ब्लड प्रेशर भी काबू में आ सकता है। मित्रों, ये जो हमने 5 वीडियो में बताया है कि आप कौन सा प्रकार के योग कर सकते हैं और आप क्या फूड खा सकते हैं, तो ये सब कुछ आप कीजिए तो आप शॉर्ट शॉर्ट ये रोग में से बाहर आ सकते हैं और अच्छी तरह रिजल्ट भी मिल सकता है। रोग के साथ आपका जो फिजिकल सिम्टम जो आया है जो पोस्ट वायरल इन्फेक्शन के बाद और सप्रेस होने के बाद ये सिम्टम भी आपको रिलीज होता है, तो आपको लाइफ के लिए बहुत अच्छा लगेगा और लाइफ भी स्मूथ जाएगी। मित्रों, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।